इन्वेस्टमेंट के टॉप सेक्टर्स पकड़ते हैं, ठीक है। एफएमसीजी कंपनी की बात करते हैं, एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे वो आप मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें रखी होती है, इनको एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं। चाय हो गया, यू नो टूथपेस्ट हो गया, मतलब घर पे जो चीजें चाहिए होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, आप मॉल में जाते हो उसके जो बहुत सारी कंपनीज हैं, सारी कंपनी जो लिस्टेड है, डाबर लिस्टेड है, बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर आपको पैसा लगाना हो तो लगा देना, नीड मनी बहुत, शेयर काफी अच्छा खासा महंगा है। ITC बहुत बढ़िया कंपनी है, डिविडेंड चाहिए तो बहुत अच्छा है, इसका शेयर भी बहुत सस्ता है, 230-240 रुपए का शेयर है। यूनिलीवर सब जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बढ़िया, FMCG की टॉप प्लेयर में आती है, इससे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। इसका शेयर भी ऑलमोस्ट 2500 के करीब है, 2300-2500 रुपए का एक शेयर है, महंगा शेयर है लेकिन बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी। ब्लू, इसको ब्लू चिप शेयर्स भी बोलते हैं। नेस्ले का शेयर सबसे महंगा है, 10-11-12 हज़ार का शेयर है, ये बहुत महंगा है, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वो कंपनी है FMCG की, मारिको, ये मेरा मतलब ये शेयर महंगे हैं, ओके, ये शेयर महंगे हैं, ये मेरी फेवरेट कंपनी है FMCG के अंदर, जिसमें आपको ग्रोथ भी दिखेगी। अगर आपको FMCG सेक्टर में पैसा लगाना है, मारिको में लगाना, ठीक है। मारिको के प्रोडक्ट आपको बहुत दिख जाएंगे, आप एक बार रिसर्च करो, मारिको के भयंकर भरसक प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, जो आपके घर पे यूज होता है, आपको पता भी नहीं है मारिको के प्रोडक्ट है। ये इस कंपनी का शेयर आपको 500 रुपए के करीब मिल जाएगा, मेरा फेवरेट है, ठीक है। विप्रो क्यों डाला गया मुझे पता नहीं, विप्रो को, हाँ विप्रो के कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट भी आते हैं, विप्रो के भी आते हैं, पतंजलि भी है उसमें, बाबा जी की, ये भी लिस्टेड है, ठीक है। टाटा ही खुद के कुछ प्रोडक्ट आते होंगे, टाटा कंज्यूमर बोलते हैं उसको, ये भी मेरे फेवरेट कंपनी है, टाटा कंज्यूमर जो FMCG कंपनी है। तो टाटा सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती है, टाटा का पता होगा स्टार मॉल्स खुले रहते हैं, वो टाटा की हैं। तो ये मेरे, मैं अगर बोलूं कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो मेरी एक ITC में इन्वेस्टमेंट है, ये डिविडेंड के लिए किया है, इसका शेयर है ना बस एवरग्रीन शेयर है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। मेरी यूनिलीवर में शेयर्स हैं, मैंने यहाँ पर शेयर खरीद रखे हैं, मारिको में मेरे शेयर्स हैं, मैंने खुद ने खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं, टाटा कंज्यूमर में शेयर है, खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं, बस ये कंपनियाँ हैं, बाकी मेरे किसी में शेयर नहीं है। विप्रो FMCG में शेयर नहीं है, मैंने नहीं खरीदे, लेकिन ये कंपनियाँ हैं। और इनमें लीडर कौन है, जिस जो लीडर है उसको तो खरीदो ही, मान लो आपने ना 6 महीने, आपको ये कहाँ से लाएंगे एक शेयर का 2300 रुपये, मैं बताऊँगा कहाँ से पैसा लाना है। लेकिन आप ज़रा सोचो कि अगर आप मान लो कि आप दिन एक महीने में 100 रुपये भी आप इकट्ठा करते हो, कर लो धीरे धीरे करके, SIP भी कर सकते हो, आजकल तो शेयर खरीदने में SIP भी होती है। अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करो और एक दिन एक शेयर खरीद लो, मैं आपको कौन कहता है बहुत सारे खरीदो, लेकिन ये ऐसी कंपनी जो कि लीडिंग कंपनी है, कभी फेल नहीं होगी, FMCG की टॉप कंपनी है, टॉप नंबर वन पे आती है, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं, सेफ, एकदम सेफ सेक्टर है FMCG सेक्टर। फिर आते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, टेलीकॉम सेक्टर सबसे रिस्की सेक्टर है, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन ये सेक्टर भी है हाईली रिस्की है, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां हैं। जियो बहुत अच्छी कंपनी, आप चाहो तो लगा लेना, आइडिया, ठीक है, एयरटेल अच्छी, इसमें सबसे अच्छी कंपनी एयरटेल है, लेकिन देखो मैं, ये मेरा परसेप्शन है बाय द वे, आप रिसर्च करो, कंपनियां सारी अच्छी हैं, मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये मेरी परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप रिसर्च करो अच्छे से, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर लगाओ, ये मत सोचना कि अरविंद सर ने कर रखा तो हम भी कर देंगे, नहीं, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। बट मैं आपको बताता हूँ, मेरा इसमें कोई, मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, लेकिन इसमें अगर मैं लीडिंग कंपनी की बात करूँ तो वो कौन है, एक्चुअली रिलायंस जियो है, लेकिन एयरटेल के जो शेयर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो ये दो कंपनियाँ जो मैं ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिलायंस की जियो कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें जियो भी आता है, रिलायंस खुद में एक बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है। ऑटो सेक्टर को पकड़ते हैं, चलो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, आने वाले समय में आपको वाकई में अगर कहीं से पैसा कमाना है तो ऑटो सेक्टर में आप लगा सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और इसमें भी जो ई व्हीकल बनाता है, ई व्हीकल के टॉप मोस्ट कंपनियों में किनका नाम शुमार होने वाला है, महिंद्रा का नाम, महिंद्रा ऑलरेडी ई व्हीकल बना रहा है, आने वाले समय में पेट्रोल, आपको भी पता है कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है ही नहीं, अवेलेबल भी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा, और प्रॉब्लम यह है कि चलो महंगा हो सस्ता हो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। इन दैट केस महिंद्रा कंपनी, टाटा कंपनी, ये जितने भी कंपनियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी कंपनीज ई व्हीकल बना रही हैं, आने वाले समय में आप चार्जिंग वाले व्हीकल चलाओगे, आज भी चला रहे हो बड़ी बात नहीं है, आज महिंद्रा के तो कब से ही ई व्हीकल दौड़ रहे हैं, तो कारें भी दौड़ रही हैं, ठीक है। तो ये हीरो हो गया, मेरे फेवरेट कौन से हैं इनमें से, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं हीरो, ये बहुत एवरग्रीन कंपनी है, आप चाहो जब चाहो तब लगा सकते हो। अशोक लेलैंड ये मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है, इसके शेयर्स तो काफ़ी सस्ता है, इसका एक शेयर 121 रुपये का एक शेयर, मैंने खरीदा था 60 रुपये का शेयर था, 60 रुपये का, अभी डबल हो चुका है, ज़रा सोचो। मेरे पास महिंद्रा के भी शेयर है, मेरी फेवरेट कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है यार, मतलब सारी वैसे इंडियन ही है, मतलब ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और टाटा तो एवरग्रीन है, आप किसी भी सेक्टर में टाटा के शेयर खरीदो आपको फायदा ही होगा। तो ये सारी ऑटो सेक्टर है, और इसमें से वो
आप और मारुति सुजुकी तो आपको पता ही है शेयर बहुत महंगा है, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। मारुति सुजुकी का शेयर बहुत महंगा है क्योंकि वो डिमांड में बहुत है ना, सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो इसी कंपनी ने ले रखा है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो इसलिए बहुत महंगा है। पर लीडर यही है, इसका शेयर बहुत महंगा है। इतने पैसे हो तो लगा देना, मेरे पास थे नहीं, मैंने कभी खरीदे नहीं। मेरा फेवरेट आपको बता दिया मैंने किसमें लगा रखा, महिंद्रा में, टाटा में, इसके अलावा मैंने लगा रखा हीरो में, और ये शेयर महंगा है तो मैंने तीन में लगा रखा है। बाकी कंपनियां सारी अच्छी हैं, और ये सेक्टर, ये हाई रिस्क वाला सेक्टर नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर इसमें अगर आप इन फ्यूचर देखोगे तो जो जो ई व्हीकल आने वाले हैं, तो जो ई व्हीकल बनाता है जाके उसमें इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, काम आएगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर आता है, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, लो रिस्क, ये कभी डूबेगा नहीं, मतलब यस बैंक को देख के तो नहीं कह सकते, बट बाकी बैंक काफी अच्छे हैं। इनमें से किसी ना किसी बैंक में आपका खाता होगा, और ये सारे के सारे बैंक लिस्टेड हैं। और एक और बात बताऊं, आप बोले कि बैंक स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा है, पता है आप जो एफडी करते हो, जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, करंट अकाउंट में पैसा रखते हो, ये बैंक करते क्या है, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। या तो वो होम लोन में किसी को दे देंगे, व्हीकल लोन में किसी को दे देंगे, यानी कि लोन की कैटेगरी में किसी को दे देंगे, नहीं तो वो पैसा मार्केट में लगता है, बैंकों की तरफ से भी मार्केट में लगता है पैसा, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ये बैंक भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहीं से तो कमाते हैं, बैंक और कहां से कमाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि ये देखो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इनमें लीडर कौन है, इनमें लीडर है एचडीएफसी, इन पूरे बैंकिंग सेक्टर में लीडर एचडीएफसी है। इतनी मार्केट कैपिटल देखो आप, शेयर प्राइस देखो, 1500 रुपए का शेयर प्राइस है। मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरी फेवरेट बैंक है, क्योंकि मैं अब मेरी फेवरेट, मैंने एचडीएफसी पे इतना भरोसा क्यों कर रखा, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत प्राइस है या ऐसा कुछ है, मेरा खुद का अकाउंट है एचडीएफसी में, और मुझे इनकी जो सर्विसेज है बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा खुद का अकाउंट, एक और अकाउंट एचडीएफसी में भी है, तो आईसीआईसी में भी है, आई हैव अ ट्रस्ट इन दीज टू कंपनीज, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मेरा एक, मेरे पापा का अकाउंट एसबीआई में है, आई लव दिस, यू नो दिस बैंक, ये तो मुझे तो लोन ही इस बैंक से मिला था, एसबीआई बैंक, तब तो मेरा एचडीएफसी और आईसीआईसी में था, मुझे लोन किसने दिया था, एसबीआई बैंक ने, मैंने किसको होल्ड करके रखा, मुझे एसबीआई बैंक बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको होल्ड करके रखा। एचडीएफसी बैंक ब्लू चिप बैंक है, इसको ले लेना जब भी आपको मतलब भरोसा हो, कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये बहुत अच्छा बैंक है एचडीएफसी। और इसके अलावा आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छा है, बाकी बैंक सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ज्यादा ग्रोथ किसकी बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करेगा, वो बंधन बैंक है, मैंने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा है, तो होल्ड कैसे करने है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने करने हैं, क्या करना है, पैसा कहां से लाएं, बट सेक्टर पकड़ो कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा बुरा, किसमें लगाएं। तो मेरे पैसे मैंने कहां लगा रखे हैं, एसबीआई खरीद रखा है, एचडीएफसी ले रखा है, आईसीआईसी ले रखा है, बंधन बैंक ले रखा है, इसके अलावा मेरे एक येस बैंक है, येस बैंक तो लॉस वाला, उसमें मत ही लगाना, इसको एक बार क्रॉस ही कर दो, एक बार हटा दो, मेरी तरफ से मैं राय दे रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो आपकी इच्छा है, बट अभी इसको थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, ठीक है। तो मेरे इसमें पर्सनल फेवरेट एचडीएफसी बैंक है, और अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं आईसीआईसी बैंक में भी हैं। इस बार तो एसबीआई बैंक में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, मतलब ये एसबीआई बैंक ने तो सबको खुश कर दिया। आप सोचो कि एसबीआई बैंक, अगर कोई एसबीआई बैंक में ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है कि एसबीआई बैंक एक टाइम पे कितने 280 270 250 पे आ गया था, एक शेयर 250, आज वही शेयर 450 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो आप सोचो कि एसबीआई बैंक ने कितनों को खुश किया है। ये अच्छा सेक्टर है, और जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट की सोचो तो आप जरूर सोचो कि मैं बैंकिंग सेक्टर में लगाऊंगा, इनका जो टॉप प्लेयर है वो एचडीएफसी है, जब मौका मिले एचडीएफसी खरीद लेना, लेकिन महंगा है। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर, कोरोना का टाइम चल रहा है, हर कोई सोचेगा इनके शेयर्स भी अच्छे, और एक बात है, कोरोना की बात भी नहीं है, आपको भी पता है कि हर मतलब बीमारियां चलती रहेंगी, बीमार लोग होते रहेंगे, इलाज की जरूरत पड़ेगी, इन दैट केस हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो एवरग्रीन है हमेशा, उसमें लीडर कौन है, अपोलो हॉस्पिटल्स को आप पकड़ लेना। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी हैं, अरोबिंदो हो गया, या फिर देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं, अरोबिंदो हो गया, या फिर डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा हो गया, ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो ये सारी कंपनीज हैं। हेल्थ सेक्टर में बिलीव करते हो तो उसमें लगाओ।